कानपुर देहात के रायपुर में स्थित GPL फैक्ट्री में मृतक श्याम प्रताप सिंह के परिजन और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की ओर से किया जा रहा प्रदर्शन अब भूख हड़ताल में बदल चुका है। परिजनों ने अपनी मांग को लेकर फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि फैक्ट्री में रहे तत्कालीन मैनेजर शेखावत पर कार्यवाही कर परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाए। इन्होंने ना तो आज तक हमारे को कोई मांग पत्र दिया है, ना हमसे कोई बात करी है। ये केवल वसूली के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शासन के वो पुलिस प्रशासन इस मामले की ऑलरेडी विवेचना कर रहा है। इन्होंने मुकदमा लिखाया हुआ है, लेबर कोर्ट में भी मुकदमा चल रहा है। इस धरने का केवल केवल एक उद्देश्य है कि किसी प्रकार हमारी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाना और हमसे वसूली करना। अच्छा, किसान की आड़ में जो लोग बैठे हैं कौन है ये? अब ये तो सर किसान की आड़ में जो बैठे हैं वो आप समझ सकते हैं, आप सभी लोग समझ सकते हैं कि वो कौन हो सकते हैं। वो तत्व ऐसे हैं जिनका उद्देश्य जो है समाज में अशांति फैलाना है और वसूली करना है और सरकार को बदनाम करना है। इस सारी प्रक्रिया में सरकार को बदनाम करने के अलावा और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं हो सकता। परिजनों का कहना है कि बीते दिनों मृतक के पिता की भूख हड़ताल के चलते काफी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद ही फैक्ट्री मालिक ने मैनेजर शेखावत को हटाकर फैक्ट्री में दूसरा मैनेजर तैनात कर दिया। ये देखिए, कानपुर देहात जो एक उभरता हुआ इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ कई इंडस्ट्री बड़ी बड़ी आ रही हैं। एक साजिश के तहत ये पूरे माहौल को बिगाड़ने में लगे हैं ताकि यहाँ पर डेवलपमेंट ना हो पाए। कुछ शरारती तत्व किसान की आड़ लेकर यहाँ पे इंडस्ट्री को बंद कराना चाहते हैं, इंडस्ट्री से नाजायज वसूली कर रहे हैं। वसूली भी दो तरीके से होती है। एक तरीका ये है कि हमारे आदमी रख लो, हमारा हमको ठेकेदारी दो, हमारे आदमी के थ्रू काम कराओ। और दूसरा, जो GPL के बाहर जो किसानों ने धरना दिया है, वो धरना किसानों का ना होके एक अराजक तत्वों का है। किसानों का तो वो नाम है, और इस पे जब एक आदमी 5 साल पहले फैक्ट्री को छोड़ के चला गया और वो दूसरी जगह काम भी कर रहा है, और अंडर आप ये देख लीजिए उसने मुकदमा भी एक 19 में डाल रखा है लेबर कोर्ट के अंदर, अभी उसकी कार्रवाई नहीं हुई है। वो अगर सुसाइड कर लेता, अभी उसकी पूरी विवेचना नहीं हुई है। पुलिस द्वारा FIR लिख ली गई है, लेकिन अभी उसकी विवेचना नहीं हुई है। और जब विवेचना अभी पूरी नहीं हुई है तो इस तरीके का धरना प्रदर्शन लगा के ये तो नाजायज तरीके से वसूली अभियान है। इसको सरकार को तुरंत रोकना चाहिए। हमारे इंडस्ट्रियल एरिया का पूरा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जो बाहर से अभी इंडस्ट्री आ रही है, अगर इस तरीके का माहौल रहा तो यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होगा। GPL काफ़ी पुरानी यूनिट है और कम से कम नहीं तो यहाँ पे 1000 आदमी का वर्कफोर्स है। 1000 आदमी को ये रोज़गार दे रहे हैं, पर्यावरण को भी ये शुद्ध कर रहे हैं। पर्यावरण के तहत ये इन्होंने रीप्रोसेस प्लास्टिक को कन्वर्ट करके धागे में कन्वर्ट किया है। ये दो तरीके से काम कर रहे हैं, एक तो पर्यावरण स्वच्छ कर रहे हैं और दूसरा बेरोजगारों को रोज़गार भी दे रहे हैं। कानपुर देहात से माय भारत के लिए DK राजपूत की रिपोर्ट।